हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्टेनिंग। देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे थ्योरी पार्ट ऑफ लिशमन स्टेन, यानी लिशमन स्टेन का थ्योरी देखे थे हम लोग, जिसमें देखे थे हम लोग कि कंपोजिशन क्या होता है, उसके बाद से लिशमन स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है, एंड करने का प्रोसीजर क्या होता है। जबकि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिशमन स्टेन करते कैसे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिशमन स्टेन को करने के लिए सबसे पहले हमको एक आइडियल ब्लड स्मियर बनाना होता है। तो देखते हैं कैसे आइडियल ब्लड स्मियर बनाते हैं। देखिए, ब्लड स्मियर बनाने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ता है। देखिए, ब्लड स्मियर बनाने के लिए हमको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की ज़रूरत होता है और ब्लड सैंपल की ज़रूरत होता है, जो कि EDTA ब्लड सैंपल होना चाहिए, क्योंकि ब्लड स्मियर जो बनाते हैं हम लोग, पेरिफेरल ब्लड स्मियर बनाते हैं, वह होल ब्लड से बनता है। और जो EDTA होता है, यह एक क्या है, एंटीकोगुलेंट्स है, जो कि ब्लड को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, आइडियल स्मियर बनाने के लिए सबसे पहले ब्लड को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें से एक ड्रॉप ब्लड लेंगे और स्लाइड के किनारे पार्ट पर रखेंगे। उसके बाद से स्प्रेडर के सहायता से उस ब्लड को स्प्रेड करेंगे। अब सभी स्मियर को एयर ड्राई करेंगे, उसके बाद से इसको स्टेनिंग ट्रे में लेकर के जाएंगे और स्टेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब मेरा स्मियर एयर ड्राई हो गया है, चलिए तो स्टेनिंग करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग लिशमन स्टेन का थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप्स क्या था, प्रिपेयर आइडियल स्लाइड। तो हम लोग ने आइडियल स्लाइड तो प्रिपेयर कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था, पोर द लिशमन स्टेन सॉल्यूशन ऑन द स्लाइड, यानी कि दूसरा स्टेप क्या था कि जो लिशमन स्टेन होता है उसको स्लाइड के ऊपर पोर करना होता है। तो ये है मेरा लिशमन स्टेन, इसको अब हम क्या करेंगे, इस सभी स्लाइड के ऊपर पोर करेंगे। तो अब हम जो लिशमन स्टेन था उसको स्लाइड के ऊपर पोर कर दिए हैं। उसके बाद से अगला स्टेप था लीव फॉर 2 मिनट, यानी कि जब लिशमन स्टेन को स्लाइड पर पोर कर देते हैं, उसके बाद से इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। अब मेरा 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब जो यह स्लाइड है इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, यानी कि डिस्टिल वाटर के सहायता से क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, यानी कि जितने अमाउंट में इस पर हम लिशमन स्टेन डाले थे उसके डबल अमाउंट में डिस्टिल वाटर डालेंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे। स्लाइड को डाइल्यूट करने के बाद फिर से इसको
20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स वाश द स्लाइड, यानी कि अब 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद स्लाइड को वाश करेंगे। देखिए तो स्लाइड को वाश करने का तरीका क्या होता है, स्लाइड को कैसे वाश करते हैं। देखिए इसके ऊपर क्या है, ब्लड स्मियर है जिसको हम क्या किए हैं, स्टेन किए हैं। तो हमको स्लाइड को वाश करेंगे तो इसके जो पिछले वाला पार्ट है पीछे से धोएंगे, न कि आगे से। अगर आगे से इसको वाश करते हैं तो जो स्मियर है और जो स्मियर को हम स्टेन किए हैं वो भी स्मियर क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, जो स्मियर जो यह स्लाइड है, स्लाइड के बैक पार्ट को वाश करते हैं न कि इसके फ्रंट पार्ट को। अब स्लाइड को वाश करने के बाद स्लाइड को वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर देते हैं, उसके बाद से इसको एयर ड्राई के लिए छोड़ देते हैं। जब यह स्लाइड एयर ड्राई हो जाएगा उसके बाद से इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे। और अब हम लोग इस स्लाइड को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें WBC सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी WBC में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स, यानी सभी सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूट्रोफिल्स कैसा दिखता है, लिम्फोसाइट कैसा दिखता है, मोनोसाइट कैसा दिखता है, बेसोफिल्स कैसा दिखता है और इसिनोफिल्स कैसा दिखता है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।